मजा आया? मसला ही नहीं, मसला ही नहीं है बाबा साहब। कुत्ता कमीना बे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गरीबो, ए गरीबो, गरीबो उठ जाओ, सैरी कर लो गरीबो। मेरी जगह पे कब्जा करके फिर तो गया। आज तो बाजी ने बना के दिए आलू के पराठे। हाय हाय, और आलू के नहीं, गोभी के पराठे हैं, गोभी। ये सैरी करने के बाद कुछ लोगों के हालात ऐसे हो जाते। गरीबो सैरी नहीं करनी, ए गरीब मिस्कीन। उठ जाना। भाई सुबह सुबह हो गई है भाई, अब जाना है घूमना थोड़ा। मजा आया? मसला ही नहीं, मसला ही नहीं है बाबा साहब। कुत्ता कमीना बे, पड़वा देखो लो, रोजदार को गाली दे रही है। रोजदार को गाली दे रही है भाई ये। और भाई अभी निकलते हैं, जाके थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं। हुसैन भाई की देखो कहीं में स्कूल, जैन भाई की दुकान पे आते हैं, थोड़ा जाके शुगर वगैरह लगाते हैं। जैन भाई को भी चढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा शुगर लगा लेंगे भाई। अभी हमारे पास एक छोटी नस्ल आई हुई है, उसके साथ थोड़ा खेलेंगे, उसको थोड़ा तंग करेंगे, रुलाएंगे, उसके बाद जाएंगे। बाहर निकल, बाहर निकल, ना वायरल कर दूंगा तुझे। बाहर बाहर निकल, मैं तुझे मारने बाहर आ जा। बाहर निकल, थोड़ी मऊ दिए, बाहर निकल। बाहर आओ, मैं मारूंगी सारे। बाहर आ, दो मिनट से पहले बाहर निकलो। ये बेल में घुस गया तू, मैं सोनी कर रहा। जाते हैं भाई नमाज पढ़ते हैं, जाके नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद हालांकि यहाँ करीब में है हमारे घर के ना, जैसे कि ये मेरा घर है अंदर के साइड पे पूरा, और वो सामने मस्जिद है ये वाली सामने। लेकिन मैं वो वहाँ जाता हूँ, जितना दूर आप रोजे के अंदर मस्जिद, जितने दूर मस्जिद में जाएंगे ना, वो लोग वहाँ से यहाँ भी आते हैं नमाज पढ़ने, और मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ नमाज पढ़ने। नमाज दूर पढ़ने का मकसद ये है कि आप रोजे की हालत में अगर जितना दूर भी जाएंगे ना आप नमाज पढ़ने, आपको उतना सवाब मिलेगा। आप देखें ये मस्जिद, वो सामने मस्जिद है, वो देख सकते हैं बिल्कुल, वो सामने मस्जिद है। अब मैं वहाँ जाऊँगा नमाज पढ़ने के लिए। तो भाई ये सीन है, हम दूर जितना नमाज पढ़ेंगे उतना अच्छा है। हालांकि मस्जिद ये भी है, देखो ये जामा मस्जिद है अंदर, बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। लेकिन बस हम यूँ जाते हैं, लोग यूँ आते हैं। पूरे मुशर्रफ की सबसे बड़ी मस्जिद है ये, वो जमात खड़ी हो गई। भागना नहीं चाहिए कभी भी जमात अगर आपकी हो रही है तो, आपको मस्जिद में नहीं भागना चाहिए, गलत बात है। लेकिन अभी यार क्या करें, जाते नमाज वमाज पढ़ के हुए फारिग, अल्हम्दुलिल्लाह। हम निकलते हैं घर की तरफ, नहीं पहले भैया की तरफ जाते हैं, उसके बाद घर की तरफ जाएंगे, वो भी हुआ देखेंगे। बहुत तेरी खैर एस एफ टी सी एफ का अपडेट वर्जन एस एफ, वो सामने टी सी एफ। यहाँ पे भी कटिंग वोटिंग हो रही है सारी, बोलना के रोड वोड काट रहे हैं, है वो सारी पहाड़ी आदि कर दी है हरिओं ने। बाकी आज हुसैन भाई नहीं आया हमारे साथ ना, बड़ा अफसोस हो रहा है। हुसैन भाई बोले मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बाद में जाके पढ़ लूँगा। मैं भैंस की आँख नमाज तूने वैसे पढ़नी, तो आगे ऐसे ही पढ़ ले नमाज साथ में। जाते हैं जैन भाई के पास जाके देखते हैं क्या कर रहा है वो। जाते हैं जैन भाई को सामने खड़ा। जान घर पहुँच गए, अभी भी पहुँचे यार, थक गया बेटा। मैं बोल कर कुछ नहीं, जाके अंदर से ले लो, सही है? किसी ने कुछ कहा अगर मुझे नहीं बोलना। तुम लोग ही रोज बोले आती हैं और फिर अम्मी मुझे चिल्लाती डांटती हैं, मैं बार बार दे देता हूँ लेकिन अम्मी चिल्लाती हैं। भाजी बोल रही है, बोल नहीं आई छोटे, बोल नहीं आई इधर।
ठंडा पानी है, मजा ही आ गया। ए गरीब, ए गरीब, हम इसको गरीब बोले, तुमने रोजा नहीं रखा गरीब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जा रहे हैं दोबारा असर की नमाज के लिए। घर में आए, सो गए, सो के फिर नमाज की दोबारा तैयारी कर रहे हैं। असर की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वही अफ्तारी का टाइम हो जाएगा सर पे। फिर भाई की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से समोसे वमोसे उठाएंगे, अफ्तारी का और सामान उठाएंगे, फिर देखते हैं सेटिंग बनती है। वहीं जाएंगे, वहीं जाके नमाज पढ़ेंगे, यहाँ वाले मस्जिद में नहीं पढ़ेंगे, वहीं जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ भी बड़ी प्यारी नमाज पढ़ाते हैं जो वेर सब हैं, लेकिन उधर जाके पढ़ने का मज़ा ही नहीं, जितना दूर उतना मज़ा। नमाज नमाज पढ़ के होगा फारिग, अल्हम्दुलिल्लाह। कमर भाई हमारे जिनको रमजान के वक्त मौत आई वो क्या ले, ठीक है क्या तेरी तस्वीर दिख रही है? अपनी तस्वीरें दिख रही, तुम्हारी भी दिख रही है, मेरी कहाँ से दिख रही? आओ जी आओ, शुभ शुभ वाली सरकार आ रही है। जैन की दुकान पर आए, समोसे पकौड़े लेते हैं घर के लिए। पकौड़े तो खैर अम्मी खुद बनाती हैं, के समोसे किया कुछ भी नहीं आई, एक हाइजेनिक काम हो रहा है। जैन इसको बता यार कितने दिन है, हमारा मन लेके हो गया फारिक भाई, जाते हैं घर में। बेड़ा गर्क हो गया आज तो भाई, थक गया भाई, थक गया भैंस की सी थक गया। भाई यहाँ तो किचड़े और अफ्तारी देनी है, किधर से जाए बंदा? अरे ओ तेरा घर किधर है? आज तो हमारा एक्सीडेंट, थोड़ा सा बचना गुड़िया तेरी से। इतनी सी जगह से हमको जाना पड़ रहा है ये भाई। सुन, हमारे घर में एक बाजी आते हैं काम करने, उनके घर मैंने बोला अफ्तारी देनी है, अफ्तारी देते हैं इनके घर पे। उसके बाद फिर इफ्तारी दे के हो गए फारिग, जाते घर पे। टाइम सब पे भाई, टाइम सब पे, भागो 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 भागो। अरे रेडी तो बैठा, और तुम कर रहे हो तमाशेबाजी। अब अजान का टाइम हो रहा है, बिल्कुल चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए। टाइम भी बस करीब करीब है, खजूर का तेरी चलो भाई चलो खजूर। तारीफ तारीफ करके हो गए फारिग, हो गए भाई। ए नमाज को लेट हो गया आज, मगरिब की जो है वो मैं इधर पढ़ता हूँ और बाकी नमाज उधर जाके पढ़ता हूँ। जमात खड़ी हो गई, होने वाली है जमात खड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज नमाज पढ़ ली, हो गए फारिग। बस निकलते हैं घर की तरफ, घर की तरफ तो मूड नहीं है मेरा, दिल है कि थोड़ा सा बंदा बार बार घूमे घूमे फिरे, थोड़ा मज़े करे। मालिक है यार, कंटेंट कुछ बन ही नहीं रहा यार। आप लोग कोई कमेंट करो, बताओ। मैं अल्लाह के बंदे, अभी मुंह पे लगता मेरे, देखो इस बच्चे की हरकतें देखो, ये वहाँ से देखो खड़े हो पत्थरे मार रहा है, और अल्लाह ना करे किसी के लग जाए, किसी का सर पे लग जाए। ए बुरी बात है बेटा। और भाई जाते हैं देखते हैं भाई, आप लोग बताओ हम क्या इसमें क्या कंटेंट डालें, क्या करें, आप लोग हमें बता दो किसके साथ क्या करना है, कौन सा प्रैंक करना है, किसके साथ प्रैंक करें। कोई एक कमेंट कर दो, उसके बाद प्रैंक हम करेंगे, उसी कमेंट के जिसने कमेंट किया होगा उसी के लिए चलो एक प्रैंक करेंगे किसी के साथ। कोई ऐसा कंटेंट ही बता दो यार हम लोगों को। मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है भाई इस टाइम पर मेरे पास, क्योंकि बाइक थी मैंने बेच ली,
मोबाइल्स जो होते सारे मैंने बेच दिए। एक अभी नॉर्मल सा Xiaomi का मोबाइल लिया है, जैसे कि Redmi Note 10 लिया है, उसी में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वह आईफोन सब बेच दिया भाई, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कहीं से कोई सीन नहीं बन रहा था। देखते हैं, गाँव से हो गए फारिक, कोई कंटेंट है नहीं दूसरा जो बंदा बनाए। ब्लॉग में भी कोई ऐसा सीन नहीं है कि हम कुछ आपको दिखा के एंटरटेन कर सकें या घुमाए फिराए शुगर लगाएं। रोजे में बंदा क्या शुगर करेगा, अल्लाह 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 के रसूल का नाम मिलेगा बस। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं कि सुबह कोई कंटेंट मिलेगा तो कोई नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ये बोलूँ कि यार आप लोग कमेंट्स में बताओ कि हमारे को कौन सा डेयर देगा। तुम लोग जो डेयर देगा हम वो पूरा करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर।